इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान, मुल्ला हसन अखुंद बनेगा प्रधानमंत्री, मुल्ला बरादर को बनाया गया उप प्रधानमंत्री। तालिबान का साथ देने पर हक्कानी को मिला इनाम, 3 हक्कानी को मंत्री बनाया गया, सिराजुद्दीन हक्कानी के खाते में गृह मंत्री का पद। मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री, अमीर मुताकी बनेगा विदेश मंत्री, मुल्ला हिदायतुल्ला संभालेगा वित्त मंत्रालय। काबुल में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने फायरिंग की। पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी हमले के खिलाफ फूटा अफगानी लोगों का गुस्सा, ISI मुर्दाबाद के नारे लगे। महिला प्रदर्शनकारियों का आरोप, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग की तालिबान ने। तालिबान की बर्बरता का एक और वीडियो, तालिबान लड़ाकों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को पीटा। काबुल से चार्टर्ड फ्लाइट चलाने के लिए तालिबान से बात कर रहा है अमेरिका, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी जानकारी। करनाल के मिनी सचिवालय का किसान नेताओं ने घेराव किया, राकेश टिकैत बोले हम हटेंगे नहीं, गेट पर हमारा कब्जा। करनाल प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत फेल रही, SDM और DSP को सस्पेंड करने की मांग सरकार ने ठुकराई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का बड़ा बयान, कहा चढ़ूनी कांग्रेस से पैसा लेकर हरियाणा में हालात बिगाड़ रहे हैं। यूपी में 40 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवार, 2017 में दूसरे नंबर पर रहे ज्यादातर प्रत्याशियों को टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को करेंगे लखनऊ का दौरा, सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगी। 2022 यूपी चुनाव में BJP के साथ चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, संजय निषाद ने कहा जीत के बाद साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। यूपी आते ही ओवैसी ने खेला सांप्रदायिक कार्ड, कहा यूपी में मुसलमानों की हालत बदतर, प्रज्ञा कुलदीप या संदीप नाम होने वालों को दिक्कत नहीं। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, ओवैसी ने कहा हम किसी के गुलाम नहीं है, यूपी का मुसलमान चुनाव जीतेगा। ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी के पार्टी में आने का स्वागत किया, कहा अतीक अहमद के आने से AIMIM की ताकत बढ़ेगी। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया मिशन 2022 का शंखनाद, कहा दलितों का पूरा भरोसा, बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। मायावती ने ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की, कहा बसपा ब्राह्मणों को निराश नहीं करेगी, सरकार बनी तो ब्राह्मणों को सुरक्षा देगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में लगे हर हर महादेव के नारे, कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम की भी गूंज। दुर्गा पूजा कमेटियों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए, बंगाल सरकार का ऐलान। बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए 50,000 की घोषणा पर भड़की BJP, ममता सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज की शिकायत। BJP के आरोपों पर ममता बनर्जी का बयान, मैंने आचार संहिता का पालन किया, ये कोई नई घोषणा नहीं है, पिछले साल की है। शुभेंदु अधिकारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बंगाल सरकार ने चुनौती दी, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया था। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ केस को लेकर बोले दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए साजिश हो रही है। बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर BJP की बैठक, ममता के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को 15 दिन की न्यायिक हिरासत, ब्राह्मणों को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। जावेद अख्तर के बचाव में उतरे दिग्विजय सिंह, का हमारे संविधान में हर किसी को बोलने का अधिकार। BJP सरकार पर तेजस्वी यादव का बयान, किसान गरीब और युवा विरोधी है सत्ता पक्ष सरकार। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान BJP के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। बुधवार को रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे अजीत डोभाल, दिल्ली में होगी मुलाकात। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, केंद्र सरकार ने एक और एफिडेविट फाइल करने के लिए वक्त मांगा। झारखंड में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, कहा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय। शिक्षा पर्व सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, नई शिक्षा नीति से छात्र ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। अलीगढ़ में 14 सितंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। CM योगी ने लखनऊ में शुरू किया 2021 का राष्ट्रीय पोषण महीना, राज्यपाल ने 529 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शुरू किया बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम, स्कूल के स्तर पर युवा उद्यमी तैयार करना है लक्ष्य। वियना में 5वीं वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, 2 दिन तक चलेगी कॉन्फ्रेंस, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इटली के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष के साथ ओम बिरला ने द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा की, संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DFPDS को दी मंजूरी, रक्षा सुधारों में बड़ा कदम। मिस्र की नेवी के साथ समंदर में उतरा INS तबर, युद्ध अभ्यास के दौरान किए कई नेवल ऑपरेशन। 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा। BJP नेता आशीष शेलार का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप, कहा कोस्टल सड़क परियोजना में हुआ 1,000 करोड़ का घोटाला। एंटीलिया केस में NIA की चार्जशीट में दावा, अपना नाम बड़ा करने के लिए सचिन वाजे ने रची थी साजिश। चांदीवाल कमीशन ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, 50,000 रुपए का वारंट जारी किया। मुंबई दौरे पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहब दानवे, मुंबई लोकल में सफर किया, मुसाफिरों से बात की। मुंबई के भयंदर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की, मरने वालों में 2 महिलाएं और एक पुरुष। महाराष्ट्र के पालघर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचला, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। गोवा में NCP ने एक नाइजीरियाई समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया, हेरोइन कोकेन का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया। मुंबई में मिलावटखोरी को लेकर FDA और क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जगहों पर रेड की, कई लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। ठाणे में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, यूपी के मुरादाबाद भागने के फिराक में था आरोपी।
पुणे में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 6 और आरोपी गिरफ्तार। 9 दिन की कस्टडी में भेजे गए आरोपी। राजौरी में सुरक्षा बलों को मिले 1,64,00,000 से भरे 2 बैग। हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपी से कनेक्शन की खबर। तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए 8 बांग्लादेशी नागरिक बिना जरूरी दस्तावेजों के रह रहे थे। केरल पुलिस ने 18 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का आरोप। हरियाणा में पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाएगा सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री खट्टर ने जानकारी दी। बाराबंकी में एएनएम की गोली मारकर हत्या, गोली मारकर हमलावर फरार। गाजियाबाद में साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, महिलाओं पर चाकू से जानलेवा हमला करता था। एटा में महीनों से पुलिस को चकमा दे रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की थी, दोनों आरोपियों को जेल। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे। लखनऊ एयरपोर्ट से 4.5 करोड़ का सोना बरामद, 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर गिरफ्तार। यूपी की जेलों में बंद 97 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके कैदी रिहा होंगे। कन्नौज में दूध से भरा टैंकर पलटा, टैंकर से गांव वालों ने दूध लूटा, डेयरी से मिल्क प्लांट जा रहा था टैंकर। फरुखाबाद में रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला, ड्राइवर फरार। कानपुर में कुरसौली गांव में डेंगू से 3 ग्रामीणों की मौत, डर के मारे 15 परिवारों ने गांव छोड़ा। चित्रकूट में एक घर में महिला समेत 2 का शव मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। बुलंदशहर में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, खुर्जा से 5 तस्कर गिरफ्तार, 20 तमंचे 315 बोर और 4 तमंचे 312 बोर के बरामद। पीलीभीत में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, गैंगरेप के बाद आरोपियों ने की लूटपाट। कोशामी में लड़की को किडनैप कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, 4 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में 25,000 के इनामी बदमाश समेत 3 गिरफ्तार, 1 अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद। मुरादाबाद में तालाब में बिजली का तार गिरने से फैला करंट, हादसे में 1 शख्स की मौत, 12 मवेशियों की भी जान गई। धरने पर बैठा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्टाफ, यूनिवर्सिटी के सिंह द्वार को बंद किया। बिहार के छपरा में छापेमारी करने गई पुलिस पर बालू माफियाओं ने किया हमला, 1 पुलिसकर्मी और उनका ड्राइवर घायल। अयोध्या में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, गांव में पानी घुसा, घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर है लोग। महाराष्ट्र के बुलढाणा में भारी बारिश का कहर, पानी में बहे 2 बच्चे, कुछ मवेशी भी पानी में बहे। रत्नागिरी के हर्द बीच पर डूबी नाव पर सवार सभी लोगों को बचाया गया। कोलकाता के कई इलाकों में जोरदार बारिश, पानी भरने से लोग परेशान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बस स्टैंड पर हुआ जल भराव, आने जाने में दिक्कत। तेलंगाना के करीमनगर में सड़कें तालाब बनी, लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। भारत ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया, अब तक वैक्सीन की 70 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। देश में कोरोना के एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए मामले, 290 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की अपील, गणेश उत्सव के दौरान कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। तीसरी लहर को लेकर बोली मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। केरल में कोरोना के 25,772 नए मामले, 24 घंटे में 189 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद हटाया गया नाइट कर्फ्यू, रविवार का लॉकडाउन भी हटाया गया। कर्नाटक में कोरोना के 851 नए मामले, 24 घंटे में 790 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक सरकार का ऐलान, अक्टूबर तक न लौटे केरल से आने वाले छात्र और कर्मचारी। आंध्र प्रदेश में कोरोना की 1,178 नए मामले, 24 घंटे में 10 मौतें। महाराष्ट्र में 3,898 नए मामले, 86 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 50 नए केस, 24 घंटे में एक भी मरीज की जान नहीं गई। अफगानिस्तान से आए 78 लोगों को ITBP कैंप से किया गया डिस्चार्ज, पूरा हुआ 14 दिन का क्वारंटीन। प्रयागराज में डेंगू के 14 मरीज, CMO के निर्देश के बाद अस्पताल में बढ़ाए गए बेड। बेंगलुरु में सिर्फ 3 दिन सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने की अनुमति, कोरोना नियमों का पालन करना होगा। तुर्की में एक बार फिर खुले स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं माता पिता। कोरोना मामले कम होने के बाद स्पेन में भी खुले स्कूल, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। गाजा में इसराइल ने किया हवाई हमला, हमास के ठिकानों पर बम गिराए, हमास के रॉकेट बनाने वाले ठिकानों पर किया हमला। फिलीपींस के में तूफान की दस्तक, तेज हवाओं की वजह से कई जगह बिजली गई, गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 17 अंक और निफ्टी 15 अंक गिरा। और US डॉलर के मुकाबले 32 पैसे गिरा रुपया, $1 की कीमत 73.42 रुपए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।